नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका इंडिया फ्रेश टोस्ट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और फ्रूट की, जो कि है लीची। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लीची एक बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है। तो पहले जानते हैं लीची के बारे में कुछ फैक्ट्स। लीची की खेती सबसे पहले चाइना में शुरू हुई थी और आज अगर करंट स्टेट में हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का आफ्टर चाइना। अगर इंडिया में हम बात करें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लीची की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो वो है बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा और झारखंड। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में भी इसकी खेती थोड़ी बहुत की जाती है। अगर हम बात करें लीची की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की, तो अगर आप 100 ग्राम एक कप में ले लें लीची, तो उसमें लगभग 66 कैलोरीज होती हैं, 0.83 ग्राम प्रोटीन होता है, 0.44 ग्राम फैट होता है, 16.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 1.3 ग्राम फाइबर होता है, 15.2 ग्राम शुगर होता है और 71.5 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो ये आप अगर आपने एक बाउल लीची खा लिया है तो वो आपकी दिन भर की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर देता है। इसके अलावा ये बाकी मिनरल्स में भी रिच होती है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फोलेट, विटामिन के और विटामिन ई के भी इसमें कुछ कुछ रेसिड्यूज जो हैं वो होते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि ये विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होती है। दूसरा, इसका अगर हम फायदा की बात करें तो ये लिवर डिसीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पाया गया है। इसमें एक रूटीन नाम का फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपको लिवर कैंसर से बचाता है और ये बाकी तरीके के जो कैंसर्स होते हैं उनमें भी काफ़ी फायदेमंद पाया गया है। तो लीची जो है, जिनको लिवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लीची का सेवन करें, उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तीसरा जो इसका फायदा वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होती हैं। इसमें एक ऑलिगोनल करके एक पॉलीफिनॉल होता है, वो क्या करता है आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं जो कि आपके एब्डोमेन फैट को बढ़ाते हैं, जैसे फैट बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसको काफ़ी रिड्यूस करता है। तो इसकी वजह से जो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो भी कम हो जाती है और इसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है। और जिन लोगों को ओबेसिटी की शिकायत है, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद पाया गया है। तो इसका जो अगला बेनिफिट है वो यही है कि ओबेसिटी, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापे की दिक्कत है, उसमें भी काफ़ी फायदेमंद पाई गई है और वेट रिडक्शन में भी काफ़ी आपको हेल्प करती है। ये एंटी डायबिटिक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो लीची है, अगर हमने शुगर की मात्रा देखी तो उसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत शुगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, तो ये आपकी जो बॉडी में ब्लड शुगर है उसको कम करने का काम करती है। इसमें एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है एपिकेटेसिन, तो वो क्या करता है आपको बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ में लोगों को दिक्कत ये होती है कि जो इंसुलिन है उसकी, उसके लिए हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट सी पैदा हो जाती है, लेकिन जो लीची है ये उसको काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है, तो इसकी वजह से ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। लेकिन इसका एक हम नुकसान भी देखेंगे आखिर में, जब हम कॉशन में जाएंगे कि जो इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो किस तरीके से आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए आइए बात करते हैं इसके एक और फायदे की। तो क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई के कंटेंट हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी स्किन है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, या आपकी अगर स्किन पर कोई सनबर्न है तो उसको हील करने में बहुत ही आपको हेल्प करती है और आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना के रखती है। तो अगला जो इसका फायदा वो ये है कि क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें ऐसे कई स्टडीज में पाया गया है कि लीची जो है आपको इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये जो सारी वायरल तरीके की जो बीमारियां होती हैं इनमें काफ़ी फायदेमंद होती है और इससे उसका रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो देखा हमने व्यूअर्स की लीची के हमारे पास कितने सारे फायदे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसका कोई नुकसान है। तो देखते हैं, जो लीची है जैसा मैंने पहले बोला कि आपके ब्लड शुगर को कम करती है, तो इसमें एक कंपाउंड होता है हाइपोग्लाइसिन ए जो कि आपके ब्लड शुगर को कम करने के लिए काम करता है। लेकिन अगर आपने आपको डायबिटीज़ नहीं है और ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीची का उपभोग कर लिया, तो क्या होगा, आपका ब्लड शुगर जो है जितना रिक्वायर्ड होता है उससे भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो वो दिक्कत हो जाएगी जहाँ पे आपका जो ब्लड शुगर है वो जितना चाहिए उससे भी कम हो जाएगा, तो वो कई बार जानलेवा हो जाता है। तो ऐसा एक इंसिडेंट आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लाइक पिछले साल या कुछ सालों पहले, और जो बिहार में, क्योंकि लीची का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया, वो जैसे ही सुबह उठे उन्हें भूख लग रही थी तो उन्होंने
काफ़ी सारी लीची खा ली भूखे पेट, बहुत ही ज़्यादा लीची का उन्होंने कंजम्पशन कर लिया और उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से 40% जो बच्चे थे वो उनकी डेथ हो गई और बाकी जो थे वो काफ़ी सीरियस हो गए। तो क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गई, क्योंकि उन्हें एक तो भूखे पेट थे, उन्होंने लीची इतनी ज़्यादा खा ली, उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो एकदम से ड्रॉप हो गया और उसकी वजह से वो उनके लिए जानलेवा हो गया। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको लीची का आप जो उपयोग कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, लीची को जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको एक रेगुलेटेड अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग लीची की नहीं करनी है। दूसरी बात यह कि उसको भूखे पेट अवॉइड करें, ना खाएं उसको, जब भी खाएं एज एन इवनिंग स्नैक आप खा सकते हैं शाम के टाइम पे या दिन में खाएं, लेकिन भूखे पेट लीची का ज़्यादा उपयोग आप ना करें। तो ये जो कुछ इसके लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है वो ये, और ये इसको सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।